नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे निसी डाक के बारे में। जी हाँ, निसी डाक कहते किसे है, निसी डाक का मतलब क्या होता है, आखिर कौन है ये निसी डाक। निसी का मतलब होता है रात और डाक का मतलब होता है बुलाना, यानी कि अंधेरी रात में मौत का बुलावा। जी हाँ, असम बंगाल में प्रचलित एक ऐसी चुड़ैल, या आप जिसे भूत भी कह सकते हैं, कई ग्रंथों, किताबों, पुराणों में, कालिका पुराण में और कई ऐसे असम बंगाल की पुस्तकों में, अखबारों में इसका जिक्र अक्सर आया जाया करता रहता है। पश्चिम बंगाल में इसका भय आज भी बना हुआ है, एक अफवाह की तरह फैला हुआ है, लेकिन ये कितना सच है इसको मैं नहीं जानता। लेकिन इसके बारे में मैंने मेरे गुरु के मुँह से सुना ज़रूर था कि ये एक डायन होती है, डाकन होती है, जो रात में निकलती है, लेकिन इसका आकार, इसका शरीर एक छोटी लड़की की तरह होता है, सिर्फ लंबाई ज़्यादा होती है, बाल जमीन तक होते हैं, आंखें लाल होती है, रंग गोरा होता है। अमावस्या की रात को यह जंगलों में वास करती है, अमावस्या की रात को यह बाहर निकलती है, आने जाने वाले राहगीर को, मुसाफिरों को, उनके ही रिश्तेदारों की आवाज़ बदल कर पीछे से पुकारती है नाम लेकर। यह केवल तीन बार ही नाम पुकार सकती है। अगर तीन बार में आपने इसको पलट कर नहीं देखा तो समझो आप बच गए। अगर आपने इसकी एक ही आवाज पे इसको पलट कर देखा तो यह सीधा आपके शरीर पर कूद कर बैठ जाएगी और आपको उस वक्त, उसी वक्त मार देगी। तीन बार के बाद यह फिर बात नहीं करती है और चली जाती है, दूसरे दिन फिर आती है। यह ज़्यादातर जंगलों में पाई जाती है, पेड़ के किनारे, किसी पुराने खंडर के मकान के ऊपर, या किसी नदी तालाब के पास बहते हुए झरने के पास, जहाँ एकदम अंधेरा और सुनसान सन्नाटा होता है। मैं केवल इस विद्या की जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि आखिर ये, मैं केवल आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचा रहा हूँ कि निसी डाक होती क्या है। जब अगर कोई मनुष्य इसको पीछे मुड़कर देख लेता है तो वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में हो जाता है, वशीभूत हो जाता है, यानी वशीकरण हो जाता है। फिर वो अपने इशारे पर इसको खींचते हुए अपने साथ अपने पीछे ले जाती है और इसको इस तरह से मारती है कि इसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं आता है। 1870 में श्री भामाचरण थापा जी ने इसको सिद्ध किया था, निसी डाक को सिद्ध किया था, क्योंकि यह केवल तारापीठ में तारा माता के अधीन रहती है और तारा माता की सेविका है। उसके बाद श्री तारानाथ तांत्रिक ने भी इसको सिद्ध किया था, जो तारापीठ में आज भी जिनका बहुत नाम है, वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन इनका नाम आज भी वहाँ मौजूद है। इस निसी डाक को केवल कोई सच्चा साधक, सिद्ध पुरुष ही इसको रोक सकता है। इसकी साधना भी होती है जो बुरे कार्यों के लिए की जाती है। अघोरी लोग इसके बारे में ज़्यादातर जानते हैं, असम बंगाल, पश्चिम बंगाल में इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। तारापीठ के मंदिरों में कई ऐसे साधक आपको मिल जाएंगे जो निसी डाक के बारे में जानते हैं और निसी डाक की साधना भी करते हैं, केवल बुरे कर्मों के लिए, क्योंकि इसमें कई प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं। 100 चुड़ैलों की ताकत एक निसी डाक के अंदर होती है, यानी 100 चुड़ैल मिलकर भी एक निसी डाक को रोक नहीं सकती। इसको सिद्ध करने के लिए पहले आह्वान, दूसरा भोग, फिर तारा माँ का आशीर्वाद, चौथा वचनबद्ध, उसके बाद उसको अपने अधीन कर लेना पड़ता है। कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती है जो बहुत ही दुर्लभ है, जो मैं नहीं जानता। मैं तो बस यही जानता हूं कि आज के युग में यह असंभव है और हर किसी को मिलने वाली भी नहीं है। असम बंगाल में प्रचलित कई प्रकार के भूत होते हैं, कई प्रकार के भूत, प्रेत, पिशाच होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है, पेटनी यानी शकुन्नी, दूसरा दामोरी, तीसरा भीषो भूत, चौथा पेंचापेची, चौथा मेखो भूत, पांचवा ममदो भूत, छठा गुज्जो भूत, सातवा आतोषी भूत, आठवा बेभो भूत, नौवा शंख घोत्ता भूत, कोखो घाटा भूत, दसवा कन भूलो भूत, ग्यारहवा डायनी, बारहवा ब्रह्म दैत्यो भूत, बारहवा बोबा भूत, तेरहवा सेकोलपुरी भूत, 14 जल पिशाच भूत, 15 निशी भूत, 16 गुड्रो बोबा भूत,
17 धन कुद्रा भूत, 18 रक्त खोश भूत, 19 खोखो कोश भूत, 20 दैत्य भूत, 21 पिशाच भूत आदमखोर भूत, 22 बीतल भूत, 23 जोखो जोक भूत। इन प्रकार के इनके सब नाम होते हैं जो असम बंगाल के प्रचलित भूत हैं। निशी भूत केवल रात में ही हमला करती है, उसकी आवाज़ सुनकर सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। जो उसकी आवाज़ का पालन करता है फिर वो जिंदा नहीं बचता। कि उसके साथ क्या हुआ यह कभी किसी को पता नहीं चलता है। यह किसी भी इंसान के प्रियजन बनकर, रिश्तेदार बनकर, सगे संबंधी बनकर उनकी आवाज़ में ही सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करती है, बुलाती है, तो सामने वाला मजबूर होकर उसको देखता ही देखता है। अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, मेरी किताब खरीदना ना भूले। ऐसे और भी रहस्यमय और चमत्कारी वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।